अरे बरसात के मौसम में खुशी के आलम में मैं घर से निकल आया, छाता भी उठा लाया। थोड़ा जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में घूम लेने दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभी आंध्रा में कितना बारिश हो रहा है। एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे नवंबर में ही बारिश होता है। पानी का बहाव देख सकते हैं दोस्तों कि कितना तेज है बहाव। इसमें अगर कोई इंसान चला जाए तो उसका क्या हाल होगा। तैरने वाला इंसान तो बच सकता है, लेकिन जो तैरने जिसको नहीं आते हैं उसका पता नहीं क्या हाल होगा। तैरने वाले इंसान को भी दिक्कत होगा, इसमें इतना तेज बहाव है। कोई पत्थर वत्थर में लेच के टकार देगा तो उसका हाल क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। देखिए क्या हाल है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे नवंबर में ही बारिश होता है। बारिश तो बारिश होता है, प्लस में ऊपर से साइक्लोन आ गया, जिसके चलते और भी पानी जो है तेज़ी से बरसा हो रही है यहाँ पे। अभी अभी पानी खुला है तो हम लोग थोड़ा आए हैं इधर देखने। दोस्तों क्या है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है कि अभी क्या है कि नवंबर के समय में इतना कड़क ठंडी पड़ती है कि अब घर से निकलना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी हो रहा है। एक्चुअली में नवंबर में ही यहाँ पे पानी होता है दोस्तों, और धान वान जितना भी है सब नवंबर में ही यहाँ पे धान की रुपाई होती है। हमारे साइड क्या होता है कि अभी धान की कटाई चल रही होगी, लेकिन यहाँ पे धान की रुपाई होती है अभी। तो यहाँ पे जो मौसम होता है दोस्तों थोड़ा पीछे चलता है। हमारे साइड ठंडी आती है तो यहाँ पे बरसात आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोस्तों बरसात ही थोड़ी तगड़ी होती है, लेकिन जो ठंडा और जो गर्मी है उतना हमारे साइड इतना नहीं होता है। यहाँ का मौसम मुझे अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ठंडी भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिली। आप रात को क्या है कि एक पतला सा कंबल ओढ़ के भी सो सकते हैं। और गर्मी भी क्या है कि गर्मी में धूप तो लगती है लेकिन लू नहीं चलती यहाँ पे। आपको क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर गर्मी लगेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉइल हो रहे हैं, मतलब पसीना आएगा, लगेगा कि गर्म पानी में बॉइल हो रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन हमारे साइड जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर लू चलती है, लू सूखा हवा गर्म, जो कि क्या करता है स्किन को झोल देती है पूरा एकदम। तो हमारे साइड का हवा ज़्यादा खतरनाक होता है। इधर का जो टेम्परेचर है दोस्तों ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है टेम्परेचर। हमारे साइड क्या है कि ठंडा में 6 डिग्री 3 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर, 2 डिग्री, और गर्मी में 45 46। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है। तो यहाँ का मौसम अभी भी ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा हवा चल रहा है तो थोड़ा सा लग रहा है ठंडा, इसलिए मैं जैकेट पहन के आया हूँ। ज़्यादा ठंडा नहीं है, देख सकते हैं कितना पानी है यार, मज़ा आ गया सीन देख के। हर साल यहाँ का यही हाल होता है। पिछले साल तो ट्रैक ही बह गया था बहुत सारी जगह, जिसके चलते ट्रेन का परिचालन भी बाधित हो जाता है कभी कभी। तो आंध्रा का यही हाल है नवंबर में, आप देख सकते हैं साउथ इंडिया का। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे दिखाते हैं, ऊपर जाके दिखाते हैं कैसा है क्या है, बने रहिए वीडियो में। थोड़ा इधर रास्ता नहीं है, बिना रास्ता के जा रहा हूँ, पूरा पानी ही पानी आप देख सकते हैं। ये है आंध्रा का हाल। हमारे नॉर्थ इंडिया में इतना अभी कड़क का ठंडा पड़ रहा है कि आदमी को घर से निकलना मुश्किल है, और यहाँ पे देखिए कि बारिश हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर रेलवे ट्रैक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का सीन कुछ ऐसा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये आशीष भैया, इधर देखिए हो देखिए यहाँ पे क्या सीन है यार। चला हमारी तरफ ठंडा पड़ रहा है, नवंबर में यहाँ बारिश हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा उधर नहीं जा सकते हैं, मोबाइल वोबाइल चल जाएगा तो दिक्कत है यार, इतना तेज बारिश है इतना। और इस तरफ का बहाव देख लिए दोस्तों, अब चलते हैं ट्रैक के उस साइड कि उस साल मतलब उस साइड क्या हाल है देख लेते हैं। थोड़ा सा नज़ारा काफ़ी अच्छा है इधर का, आप देख सकते हैं उधर रेलवे स्टेशन है, हॉल्ट है वेंदुड़ू। देखिए दोस्तों इस साइड क्या हाल है। यहाँ पे क्या है कि जाने का रोड है ये, यहाँ से आते जाते हैं लोग, लेकिन पूरा जो है यातायात बाधित हो गया है बारिश के चलते, आदमी को आना जाना अभी पूरा बंद हो गया है। ये पठारी इलाका है ना, तो पठारी इलाका में क्या होता है कि कहीं कहीं रोड पे पानी क्या होता है कि ढल ढल के पहाड़ से सब आ जाता है और पास होता है रोड से, तो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं उधर से पानी आ रहा है, इधर से बाहर जा रहा है। बॉक्स में आप लोग कमेंट करें दोस्तों कि किसको किसको तैरने आता है पानी में। हमको तो आता है, हम अगर इसमें चले जाएंगे तो निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डर लगेगा क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज बहाव है। अगर ये कहीं लेच के टकार दिया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा इंसान का। देखिए कितना तेज है बहाव पानी का, देखिए बाप रे बाप। इसे ब्रिज के अंदर से हम लोग क्या है कि इधर से क्रॉस करते हैं,
बाइक से, क्योंकि जब पानी नहीं होता है, कम पानी होता है तो, लेकिन अभी देखिए अभी तो कोई नहीं कर सकता इतना तेज बहाव में। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ब्रिज का जो अंडरग्राउंड है अंदर से पास होने का, उसमें उसमें क्या है कि तीन द्वार बोल सकते हैं इसको, एक दो तीन, तीन नहीं यार इधर दो है, दो और दो उधर, चार और दो छः है, टोटल छः है, और छः में भी इतना स्पीड से पानी पास हो रहा है, आप सोच सकते हैं कितना पानी जा रहा है। उधर देखिए लोग आए थे इसको क्रॉस करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पानी जा रहा है। बताया ना कि रोड है यहाँ पे, लेकिन जो लोग जा नहीं सकते हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त लोगों ने कमेंट किया है कि आप एक वीडियो बनाए थे घर घर में ब्लॉग का वीडियो, उसमें आप एक गाना बजाए थे अपना जो था लाल घाघरा, वो आप हमको बजा के सुनाइए एक बार। तो दोस्तों क्या है कि चैनल पर ज़्यादा देर तक हम उस गाना को नहीं बजा सकते हैं, आप लोग खुद से सुन लीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो क्योंकि क्या है ना कि कॉपीराइट आ जाता है गाना बजाने से, यही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो हमारा जो गाना का जो स्वैग दिए थे शुरू में, उसका हम बहुत ही तारीफ किया, इसके लिए थैंक यू बहुत सभी लोगों को। दोस्तों ये फिर से पानी होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, मैं छाता लगा लिया हूँ, अब चलेंगे रूम। मज़ा आ गया यार सीन देख के, रूम चलेंगे, पानी आना स्टार्ट हो गया ना, तो छाता भी ऐसा पानी आता है यहाँ कि छाता भी कुछ काम नहीं करेगा कभी कभी, तो भींग जाएंगे, इसीलिए रूम चलते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों का मेरा ये वीडियो ब्लॉगिंग वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों क्या है कि आप लोग क्या है कि हमारे एक फैमिली की तरह हो गए हैं, मतलब अच्छा लगता है आप लोग से जुड़ के कोई चीज़ बता के शेयर करके, इसीलिए मैं सोचा कि यहाँ का मौसम आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ कि नवंबर में किस टाइप का मौसम यहाँ पर रहता है। आप लोगों को थोड़ा पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना कि ज़्यादा वो हो जाए, माइंड की थकान हो जाती है, तो ये सब चीज़ जब देखते हैं तो आपको सही लगेगा थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, अभी हम चलेंगे, अब क्वार्टर चलते हैं अपना, देखिए इधर पानी है पूरा, रोड पे भी पानी बह रहा है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग क्या है कि आ जा नहीं पा रहे हैं, रोड जो है उस पर भी पानी जमा हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी आप ब्लॉगिंग वीडियो चाहते हैं किसी भी अच्छे अच्छे मतलब प्रकार, कहीं भी जाएंगे हम तो बनाएंगे वीडियो, अच्छे अच्छे जगह पे घूमने जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है। बाकी ध्यान से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ज़िंदगी में सब चीज़ होना चाहिए यार, मैं तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने जानता हूँ, सब चीज़ में इंटरेस्ट है हमें, अब गाना भी सुनता हूँ थोड़ा मोड़ा, कोई चीज़ ढोलक वोलक हारमोनिया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा सब चीज़ बजाने वजाने आता है, झाल वाल सब बजाने आता है। तो जहाँ भी जाइए ज़िंदगी में इतना चीज़ आपको सीख के रखना चाहिए कि जहाँ भी जाइए वहाँ आपका टाइम पास हो जाए, वहाँ आपकी थोड़ी सी मानदान हो जाए, सब चीज़ जान के रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मेरा कहना ये है, बाकी तो आपका जो प्रोफेशन है प्रोफेशन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय, टाटा।